तो एनटीए की आंसर की आ चुकी है आप सभी के बीच में, और जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी, यूजीसी ने जैसा कि कहा था कि जनवरी में हम अपनी जो आंसर की है वो रिलीज कर देंगे, तो यूजीसी ने आंसर की रिलीज कर दी है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं मानस मिश्रा, सीयूटी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो जिन जिन सब्जेक्ट की जो आंसर की आई हुई है, जो कि हम लोगों को पता है कि 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में हम लोगों की परीक्षाएं हुई थी, जो सीवीटी की परीक्षाएं हुई थी, एनटीए नेट ने कंडक्ट करवाई थी, तो उसके जितने भी विषय थे उन सभी की आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, जिसके माध्यम से आप अपना स्कोर कितना हो सकता है आप चेक कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर, अपने मोबाइल पर। तो जो एनटीए ने, जो एनटीए की साइट है उस पर ये नोटिस आज आई हुई है कि आज 3 जनवरी, अभी बस थोड़ी देर पहले नोटिस आई हुई है कि जो भी आंसर की है वो डिस्प्ले कर दी गई है, और 3 जनवरी और शाम को 6 बजे के बाद से ये आंसर की आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। अभी जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो, शायद अब तक आंसर की आप लोगों की आ चुकी होगी, आप लोग चेक कर चुके होंगे। जो भी साथी नहीं चेक किए हैं वो लोग आराम से जाके अपनी साइट पर चेक कर लें। अभी थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा, साइट थोड़ी सी फंस रही होगी, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना, आप जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। एनटी ने एक और प्रावधान किया है, थोड़ा सा बदलाव किया है। वो बदलाव ये है कि पहले क्या होता था, एक गलत आंसर यदि आपको लग रहा है कि ये प्रश्न हमारा सही था और एनटी ने सोचा कि ये प्रश्न आंसर की में गलत चला गया है, तो उस पर दावेदारी करने के लिए एनटी ने इस बार 500 से 1000 रुपए फीस कर दी है। कितनी कर दी है फीस? 1000 रुपए फीस कर दी है। तो यदि आप दावेदारी भी करना चाहते हैं तो उसके भी उसने डेट दी गई है कि 5 जनवरी 2024 तक शाम को 11:50 तक, अर्थात रात्रि 11:50 तक आप लोग उसमें दावेदारी पेश कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यदि आपके आंसर की के अकॉर्डिंग आपके सभी उत्तर सही हैं और यदि आपके उतना स्कोर हो जा रहा है, तो आप लोगों को अग्रिम बधाई। जो जिनका जीआरएफ निकल रहा है उनको भी बधाई, जिनका नेट हो रहा है उनको भी बधाई, और कुछ टाइम बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम संभावित कट ऑफ आप लोगों को बताएंगे कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी सभी लोग आंसर की देखेंगे कितने प्रश्न किस शिफ्ट में। इस बार तो ये हुआ है कि शिफ्ट जो है एक ही शिफ्ट में सभी के पेपर कराने की कोशिश की थी, लेकिन देखेंगे कि कितने ज्यादा क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, सीयूटी पाठशाला के साथ। जय हिंद साथियों।